बिश्नोई को डर नहीं है तो उसकी जेल छावनी में तब्दील क्यों हो गई? क्यों? केवल राजपूतों से डर है उसको। मैं सुमित ठाकुर हरियाणा करनाल से मैसेज देता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने सरकार ने एनकाउंटर करवा दिया तो हम सब खुश हैं, लेकिन अगर सरकार ने छोड़ दिया तो ये सुमित ठाकुर एनकाउंटर करेगा। बिश्नोई जब तक जेल में है तब तक ही सुरक्षित है। और ये लॉरेंस बिश्नोई से, लॉरेंस बिश्नोई ने जब सिद्धू मूसेवाले को मारा था, ठीक है, तब इसलिए नहीं मतलब उनका साथ दिया था, तब सारे ये बोल रहे थे कि भाई अच्छा किया क्योंकि वो खालिस्तानी था, लेकिन हमारे दादा कोई खालिस्तानी नहीं थे, वो सनातन धर्म के लिए आगे आते हैं, हर जगह जहाँ पे भी सनातन धर्म के लिए इकट्ठा होते हैं तो सबसे आगे आते हैं। और जब यहाँ पे लिखा गया था JNU में दीवारों पे लिखा था ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो, तब हमारे दादा ने आके भाषण दिया था और कहा था कि JNU पे जिन्होंने दीवारों पर लिखा है पहले अक्षत्रियों की तलवारों से लड़ना होगा, तब ब्राह्मणों और अक्षत्रियों को बाहर निकाल सकते हो, तुम पहले हमारी तलवारों से लड़ना होगा। तलवारों में जंग नहीं लगा, किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है कि राजपूत समाज बढ़ जाएगा या फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण बढ़ जाएंगे, सब एक साथ आएंगे। हम कभी ना बटते हैं ना बटे हैं कभी, हम ब्राह्मण और अक्षत्रिय और ब्राह्मण हम भाईचारा है, हमारा इकट्ठा है, लेकिन हम अपने सारे क्षत्रिय बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। जिनके दिल में वहम है कि भाई ये अदर कास्ट है, ये अदर कास्ट है, ये बांट दिया, ये गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के दिल में कभी ये नहीं आया कि ये नीची जात का है, ये दूसरी जात का है, ये जिम्मर है, जो का है, कभी ऐसे क्षत्रियों ने संदेशा नहीं दिया समाज में। समाज को लेकर आगे चलते थे, आपको लग रहा है हर समाज को अब एकजुट आने की जरूरत है? क्षत्रिय समाज जो हमारे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान क्या अपने लिए लड़े, क्या अपने लिए बलिदान दिया, वो पूरा देश के लिए लड़े, देश में क्या राजपूत ही रहते थे और समाज नहीं रहता था, उन्होंने बलिदान दिया, क्या अपने लिए दिया, या हमारे जो स्वर्गीय गोंगा मेडी जी ने बलिदान दिया क्या अपने लिए दिया? उन्होंने सर्व समाज के लिए दिया, और क्षत्रिय बलिदान सर्व समाज के लिए देता है। व्रत जाने देंगे आप लोग या फिर इसका बदला होगा? नहीं व्रत जाने देंगे, नहीं व्रत जाने देंगे, बदला होगा। खून से होगा, खून का बदला खून से होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल तोमर है, और मेरा कहना यह है अगर मुझे मौका मिले ना मैं समाज के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। अगर बिश्नोई को डर नहीं है, अगर बिश्नोई को डर नहीं है तो उसकी जेल छावनी में तब्दील क्यों हो गई? क्यों छावनी में तब्दील हो गई, बढ़ा दी गई? क्यों? क्यों? केवल राजपूतों से डर है उसको। सलमान खान समझने की गलती ना करे राजपूतों को। बिल्कुल नहीं, बिश्नोई जब तक जेल में है तब तक ही सुरक्षित है। ये जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगा मेडी को धोखे से मारा है उनके लिए मैं सुमित ठाकुर हरियाणा करनाल से मैसेज देता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने सरकार ने एनकाउंटर करवा दिया तो हम सब खुश हैं, लेकिन अगर सरकार ने छोड़ दिया तो ये सुमित ठाकुर एनकाउंटर करेगा। किस तरीके से आक्रोश है युवाओं में, और कह रहे हैं कि सरकार अगर बदला ले ले एनकाउंटर कर दे तो ठीक है, वरना राजपूत समाज जो है वो तैयार है, इनके मन में आक्रोश है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।